आप उतनी दूर क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? बड़े साले साहब से मोहब्बत का गला मिलने के बाद हम तुमसे मोहब्बत का गला मिल रहे थे, क्यों नहीं? और ये साला हमारे पीछे से मिलने लगा यार। ये बताओ पहले भाई साहब के पीछे क्या कर रहे थे? ना तुम लोग आगे क्या करते रहे? क्या कर रहे थे? से क्या कर एक बार बताओ। तौर तरीका है, साल में एक बार हमारे चीचे जी आते हैं है? यार कम से कम ये तो किया करो, मान सम्मान कैसे किया जाता है। आज हमारे चीचे जी आए, हम आगे से मोहब्बत का गला मिल रहे थे, लेकिन तुम पीछे क्या कर रहे थे? तुम मोहब्बत के गला मिलते रहो, हमका कोई तो सम्मान नहीं करी रहा। अरे बात वो नहीं है, मोहब्बत का गला आगे से मिला जाता है भैया, आगे के सीट इनकी खाली नहीं रहे। तुम बराबर मोबाइल में लगे रहो, एक मिनट नहीं रुके। अरे भरत लाल कि अपने जीजा जी को परेशान करते हो, सबके पीछे वाली ये कभी नहीं दोबारा आएगी यार। भाई साहब के पीछे वाली सीट समझते हो? अरे आगे पीछे सीटें बदली, हम कह नातेदार दीपा जी कह भरत लाल हमारे गले नहीं मिले नहीं। वो हुआ, वो चेयर पे बैठ रहा था, साली चेयर भी टूटी नहीं है, लेकिन साला नीचे से कुछ चुभ रहा था। देखिए फांस तो नहीं रही गई, नई कुर्सी है। अब तब वो बताओ चुभ रहा चुभ का कहते तुम्हारे घोसी रहा रहा, इनके शंका घोसी है। एक मिनट नहीं रुकेंगे, दिमाग किसी बात की शंका घोसी आप जी, इनके नातेदार की शंका घोसी है। कभी नहीं आएगी, काहे बुद्धि की हीन हो ना, काहे भैया पागे थे स्टेशन पे उठा लाए थे, तब से पड़े यहीं पे है। अरे यार ये काम करो, ये नहीं जानते हो मेहमान जब आते हैं कैसे सेवा सम्मान की जाती है? नहीं नहीं जाने, नहीं जाने भैया, हाथ जोड़ के विनती है, काहे जब भी कोई मेहमान आए उनसे हाल चाल पूछो, हाल चाल पूछने के बाद नाश्ता पानी कराओ, नाश्ता पानी कराने के बाद लेटने बैठने की व्यवस्था करो। यार कब तुमको अकल आएगी? यह बात सही तुम्हारे, हम नातेदार के हाल नहीं पूछे ना कर इलाके ना पूछवा लिया है बाकी। अच्छा नातेदार और बताओ घर का हाल चाल। और हाल चाल बढ़िया है? अटवाला मोहल्ले के यार। अच्छा क्या नातेदार है? अब तुम्हारी बहनी का हाल चाल? मोबाइल साला विलास किधर है? है हमारी बहन का हाल चाल पूछते हो साले? हमारे माँ बाप का हाल चाल है पूछ पा रहे सर? आप बात नहीं समझते, पहले आप इसकी बातों को समझिए तो आप परेशान होने लगते हैं। तुम गुस्सा लागत खाली मोली, पहले ये बताओ अच्छा सबका हाल चाल पूछे। अब मम्मी पापा तुम्हारे 6 महीना भय तब खत्म हो गए हैं, अब ही खुशी के मौके पर त्योहार है आज, हाल चाल पूछे लेकिन बात तुम्हारे माता पिता के तब है तुम्हारे बहाई लागे आंसू बहाई आंसू आ जाए, अब फिर हमारे रोई लागे लागे, अब तुम्हारी अकेली बहनी आ गई उनका हाल चाल पूछवा नहीं तो तुम यहाँ के हमारी बहनी के यहाँ कोई मानत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे तो ये बात थी, अब फिर तुम तो जानती हो, तुम तो जानती हो जब जीजी विदा भई रहे हैं, जब विदा भाई रहे शादी भाई रहे हाँ। तब हम तुम दोनों जने तो नातेदार गाड़ी में बैठे चले रहे हैं। अच्छा तुम भी अच्छा कर रहे हो, हमारी गाड़ी में बैठ के गए थे। तुम जानते हो देखो। अच्छा वो बात, जब दीदी की शादी हुई थी तब हम और तुम दीदी के साथ चले थे, हम रुके थे। तो यार कह तुम चले आ रहे हो, रुक गए रुकते हो का हुआ, भरत रहा ही नहीं तुम्हारा पेट हो तो भैया, पेपर हो रहे थे यार, मनमाना खाते हो, पेपर हो रहे। अच्छा हाँ पेपर हो रहे तब है, हम तो 6 महीना रुके रहे, आदि कराओ नातेदार।
छह महीना तुमरे वहां रुके रहन हम। हाँ और जब छह महीना रुके रहा। अरे भाग्यवान क्या ये वही है रमसेव का? वही रमसेव का। अरे तब इतना सा तो था, अब तो ये बड़ा हो गया है। जब छोटा रहन तब देखे रहो, अब बड़े हो गए तब बड़ा देखे तो ना जानी पायो। अरे जब छोटा था तब तू चूसा करता था, मारता था। बात यह है तुम्हारी बहनी रुआवे लगती रहे तो हम उनका गाल चूसे ही लगते रहे, चुम्मी नहीं रहे तो हंसे ही लगती रहे। अरे कनिया लीत रहा है, रोवे लगती रहा है, ज्यादा हलाइत रहा है, तो फिर झुलवम पहुड़ा दीत रहा है। अच्छा तो ये बात थी पालने में पाले साले, पालने का नाम पहले ले लेते। अरे भाग्यवान तू वही तो मैं कहने वाला हूँ कि रक्षाबंधन की शुभ घड़ी चल रही है। अरे भैया नमस्ते, अरे जीजा जी नमस्ते। तुम्हें खा तुम्हें चाटो हम नहीं खाई। भैया अपनी बहन को भूल बचाना, हर साल रक्षा बंधन का त्योहार। सो भैया मेरे भैया।
बड़े भैया आपने दक्षिणा दे दिया, छोटे भैया को दक्षिणे दे का नाम आया तो देखो सर को झुकाए बैठे, राखी भी बंधवा लिया हो और मीठा भी खा लिया हो, और जब दक्षिणा देने का टाइम आया तो सर की हुई नीचे बैठे हो। चलो पहले दक्षिणा निकालो, बहन को दक्षिणा दो, भाड़ो आ दो, एक नंबर का मीठा लाए। बहन जो साले बहुत नाराज हो, आज दिल खोल कर मांग लो, चिंता तुम्हारे भाई सबको देने वाले हैं। ये जा मेरा बहुत पांच छह साल है, एक मिनट नहीं रुके के दिमाग में परेशान हो रहे हैं, ये समझ लो आप खामों का परेशान हो रहे हैं, एक हमारे एक तुम्हारे लिए दुई का साथ हम दे दे। हेलो पकड़ो बड़ी भैया देखो नहीं लग रुपये ले लो, आप फुर फुला बहा रही हैं दक्षिणा, जैसा मीठा वैसा दक्षिणा लेके बहन चोद पे सवा वाले आया है उसको, लड्डू चावल वाले नहीं पे सवा वाले लड्डू लेके आए हैं। भाड़ो साहब की बेइज्जती यहां पूरा बांध दे, भाड़ो साहब की बेइज्जती देखी जाती है। 3 किलो अरे ये पे सवा में साईं बनाते हैं साईं, ले 3 किलो लाया, 3 किलो का दे गिनती के सारे लड्डू लेके आवा है 5, आ हम मत देखी पाऊ ना करने की कैसे लड्डू रहा है, कत्ता उम्मीद करे रन सालों बाद यही है नातेदार तो रौंदे वाली बर्फी ले है। अरे यार रौंदे वाली नहीं लौंज वाली, वहाँ मुहिमा लगाओ के नहीं पाए कुड़िया तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है, पहले नाराज करती हूँ बाद में मुझे हंसाती। ओए बहना, ओए मेरी गुड़िया, देख मैं तुझसे मजाक नहीं करूंगा, तुझसे मजाक करूंगा, तू ही तो मेरी है एक बहन, देख मैं तुझे बहन नहीं मानता हूँ, मैं छोटा था आज भी मुझे याद है जब मैं छोटा था अपने माता और पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, तब से तुमने मुझे संभाला है, देख तू मेरी बहन है, तू मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा सब कुछ तू ही तो है। ए बुढ़िया और क्या देख ये और हाँ ये मैं दक्षिणा नहीं दे रहा, ये दक्षिणा आज का मैं उधार करता हूँ, ये मैं छोटा सा नजराना दे रहा हूँ, नजराना आज का दक्षिणा उधार करता हूँ, आज जो तुम्हारा छोटा भाई सूरज वादा करता है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुका हूँ, जिस वक्त मेरे जिस पे वर्दी होगी उस दिन ये तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें इतना बड़ा छोटे भैया भगवान से विनती करूंगी कि मेरे भैया को बहुत जल्दी वर्दी मिल जाए और मुझे इतना बड़ा और दीदी वो तोहफा दूंगा, ऐसा तुम्हें तोहफा दूंगा, तुम उस तोहफे को संभाल। नहीं सूरज भैया उस तोहफे को अपने दिल में संभाल के रखूंगी। पोस्ट मास्टर मॉल उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, सुरेश जो तुमने पुलिस ट्रेनिंग के लिए फार्म अप्लाई किया था तुम्हें पुलिस ट्रेनिंग पे बुलाया जा रहा है, खत भेजने वाले डीआईजी बहुत है मतलब, अरे ट्रेनिंग का
बहिनी की नहीं सुधर या मेहरपन ना करियो हां यह बता देना है हाँ। तुमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती खुशी हम जानित भी आपका है बद करा जाते लेकिन ये उपद्रव अपने घर धरे हो जो हमका बर्दाश्त ना है भरतलाल मेरे कहने का मतलब नहीं समझे हम अपने दोनों सालों को खुश थे चंदा को गोदी अरोई साहब भी खुशी से उछल से परेशान को तो नहीं भैया भैया गले में तुम जीजी का कनिया ले ताजिया तना गस्त घुमाए रहे हो ए खुशियां मना रहे थे साले अरोई साहब को इतना क्यों परेशान करते हो हम सब ठीक है तुम रुकने नहीं दोगे नातेदार भैया नातेदार आंखें कब बनवाए हम अंधे हो गए हैं साले तो आंख आना कर रहे हैं अरे हम जवान है भी रे ये धूप वाला चश्मा धूप वाला अच्छा इस चश्मे को लगाने से धूप नहीं लगती हम कहीं करिया चश्मा भी लगावत हैं जो बनवा नहीं 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 तुम नहीं जानते इधर आओ भरत भरत ऐसी कोई बात नहीं ये चश्मा हमने ऑनलाइन मंगवाया है कोई बात क्या कहा मेरे भैया सूरज क्या मुझे ट्रेनिंग के वास्ते बुलाया गया लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कब और किस दिन जाना होगा अरे कब और किस दिन नहीं तुझे आज अभी इसी वक्त जाना होगा क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए ऐसा मौका हर भी बार बार नहीं ये तो आज नहीं जाता है तो हो सकता है मौका हाथ से भी निकल सकता है इसलिए ट्रेनिंग जाने से पहले मेरी एक बात को फोन पर चला मुझसे वादा करो सूरज जिस वक्त तुम पुलिस ट्रेनिंग पे जाओगे ट्रेनिंग पर पास होकर के पुलिस इंस्पेक्टर हो जाओगे तुम्हारे जिस्म पे कानून की वर्दी होगी कानून की वर्दी होगी इंसाफ के पुजारी बनोगे इंसाफ करोगे कानून के दायरे में भाई यार दोस्त कोई भी आ जाएगा तुम उससे गिरफ्तार आपकी नसीहत मैं उस तरीके से संभाल के रखूंगा जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें अपने गहनों को संभाल के रखती हैं भैया मैं ट्रेन के वास्ते जा रहा हूँ मेरे जिस्म पे वर्दी होगी मैं इंसाफ का पुजारी बनूंगा आज तुम्हारा छोटा भाई तुमसे वादा करता है मैं इंसाफ का पुजारी हूँ इंसाफ करूंगा मैं इंसाफ का पुजारी हूँ इंसाफ करूंगा और घर से मेरे भाई है गुनहगार तो मेरी नसीहत को भूल मत जा दीदी देखा तुम्हारे चरणों का प्रताप जिस वक्त तुम्हारे कदम मेरे भवन पे पड़े उस वक्त खुशियां हैं खुशियां गई भैया ये तो आपकी पढ़ाई का नतीजा है और आपकी मेहनत का फल है मेरी दीदी अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरे जिस्म पे वर्दी होगी मैं तुम्हें इतना बड़ा धोखा दूंगा भगवान से दिन रात विनती करूंगी कि मेरे भैया को वर्दी मिल जाए और मुझे इतना बड़ा आज किस्मत की बात दो मिनट बैठ करके तुमसे बात नहीं कर सका आज मैं जा रहा हूँ ट्रेन के वास्ते अब हमारी तुम्हारी मुलाकात ना जाने कब और किस मोड़ पे होती थी ऐसी बातें नहीं की जाती आज किस्मत की बात मैं तुमसे दो मिनट बैठ करके बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन के वास्ते जाना है लेकिन अब हमारी तुम्हारी मुलाकात और दीदी की और तुम्हारी मुलाकात ना जाने कब और किस वक्त हो जाए साले साहब देखो यही उम्र होती है कुछ बनने की कुछ कर दिखाने की मेहनत करो और कामयाबी को हासिल करो अपने बड़े भाई की तरह अपना भी नाम रोशन मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ अच्छा मुझे याद आ रहा है जब मैं छोटा था 5 साल का बच्चा था मेरी उंगली पकड़ करके आ मुझे खिलाया करती थी इधर उधर घुमाया करती थी और जब मैं नहीं सोता था तो आप मुझे लोरिया गा के सुला देती थी आज वो दिन फिर आ गया है सिर्फ एक बार वही लोरी सुना दीजिए
जो बचपन में मुझे सुनाया करती थी। अभी जिद करते हैं। अरे भाग्यवान, इसका बचपना भी गया नहीं है। अगर ये बात है भैया तो आज वही बचपन की लोरिया तुम्हें सुनाऊंगी। दीदी, मैं रोते हुए और हंसते हुए चला चला। सूरज कब दूर गिरन से, चंदा कब दूर गगन से, कब दूर बहार जवन से, ओ बंधन को प्यार का बंधन है, जन्म का संकल्प है। सूरज कब दूर गिरन से, कब दूर बहार जवन से, ओ बंधन को आज रुकी है वो। आज जाइबा महमूदपुर की किरासी बाजार जाओगे? महमूदपुर की किरासी, किरासी पर से लईबा पाड़ू। पाड़ू बनाई, पाड़ू खाओ और रात के तुम हमारी तरी पहुड़। तुम जानते हो कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। मछली का सेवन भैरव साहब नहीं करते। नहीं, शाकाहारी कब तक करे जी, कल खाते रहे कच्ची शाही पनीर थी पागल भैया। हम लोग ये चीज नहीं खाते। अच्छा, गुरुदेव के चेले हैं। शाही पनीर, शाही है तब यही कम। पागल पनीर नहीं समझते हो यार, जाहिल कहीं के। ठीक है भाई साहब, यदि आपके पास रुकने का टाइम नहीं है। इनके पास समय नहीं भैया, बहुत बिजनेस कारोबार इनका लंबा है। मैं समझता हूँ कारोबार लंबा है इसलिए टाइम नहीं मिलता है। नहीं रुकना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आपको जाने से पहले मैं आपसे बहुत अनिवार्य बात बतलाना चाहता हूँ। कौन सी भैया? नहीं मालूम भाई, मेरी पहली प्रथम ड्यूटी आपके वहाँ थाना रामगढ़ में लगाई गई है। क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? चौकने वाली बात है साले साहब। ये बात सुनकर मैं इतना खुश हो गया कि चलो कम से कम अब इसी बहाने हमारे बड़े साले साहब अब तो आया जाया करेंगे। अब तो रोजाना हमारे और आपकी मुलाकात। बड़े भैया, अगर आपकी ड्यूटी हमारे रामगढ़ थाने में लगाई गई है तो आज मेरे हिसाब चल के हमारे घर पे रुक कर कल वहीं से ड्यूटी ज्वाइन करना। आज तेरे कमरे पे चल करके रुकूंगा और सुबह जाकर के वहीं से अपनी ड्यूटी को। Yeah,
के सर यो सर जब भैया कब हो तो हमका पहले ख्याल कैले अब वहां की ना यार। आइए अब आप लोगों के सामने एक बेचारे बुजुर्ग और गरीब, एक गरीब बुजुर्ग जिनका नाम है बैठू किसान, आप लोगों के सामने बैठू किसान आते हैं। अब देखिए बैठू किसान अपने घर परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं। बापू आज मेरा जन्मदिन बापू